मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे ये सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टिन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टिन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दें, इसी घर में मुझे मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलता देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ पे आए, मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे, आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि ये इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है, बहू ने खाना नहीं दिया होगा। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया, वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो वहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ये लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कुछ दिन भूखी ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया, कहा कि अब यहीं बैठी रहो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टिन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी, तभी तो ये परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए, अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, खुशी थी उसे। वो जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ाना, कहीं 2-3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, अब मैं कभी नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया, मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूँ, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना, मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं फिर सच को स्वीकार कर ही लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो।
लेकिन ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।